लाहौर बार के सालाना इंतखाबात में कामयाबी की खुशी में हवाई फायरिंग करने वाले वकुला के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक 16 नामजद मुलजमान समेत 40 वकुला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, इकतदाम कत्ल, हुकूमत में मुदाखलत और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल की गई है। FIR के मतन के मुताबिक वकुला ने DSP की वर्दी फाड़ दी और फायरिंग के दौरान इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि कांस्टेबल शाहिद को बंदूक की नोक पर अगवा किया गया। वकुला ने DSP सरवर एवान पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। मुकदमा थाना इस्लामपुरा के SHO आसिम जहांगीर की मुदीयत में दर्ज किया गया। FIR में यह भी दर्ज किया गया है कि इंतखाबी नतीज के ऐलान के बाद 300 वकुला अवान आदिल रोड पर जमा हुए। वकुला ने नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस के साथ मिलकर फायरिंग शुरू कर दी। सरकारी इमारतों और सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई।